नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर केंद्रीय जेल में नशा बेचने के बड़े रैकेट का किया पर्दाफाश। 4 किलो 500 ग्राम हेरोइन, 4,32,000 रुपयों की ड्रग मनी सहित 3 व्यक्तियों को किया काबू। अमृतसर देहात पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों को किया काबू। 32 बोर की 8 पिस्तौल, 8 मैगजीन, 17 जिंदा रोंद और 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए चलाया ऑपरेशन कासो। 28 ग्राम हेरोइन, 665 नशीली गोलियां, 7,84,000 मिलीलीटर अवैध शराब, 200 किलो लाहन, 6 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल किए जब्त। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब पुलिस की ओर से पंजाब में नशों के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है, जिसके चलते अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसके चलते पुलिस ने सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस दौरान अमृतसर पुलिस की ओर से 3 आरोपियों को काबू कर उनके पास से 4 किलो 500 ग्राम हेरोइन, 4,32,000 की ड्रग मनी बरामद की है। इनमें से एक जेल वार्डन भी शामिल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश, सतिंदर पाल सिंह उर्फ सती और गुरमेल सिंह के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि गुरमेल सिंह जेल वार्डन में और केंद्रीय जेल अमृतसर में तैनात है, जो कि जेल में बंद कैदियों को हेरोइन सप्लाई करता था। उन्होंने बताया कि गुरमेल सिंह जेल में बंद एक हवालाती के इशारे पर ये काम करता था। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साहब ने दिशा निर्देश जो ड्रग फ्री बनाने वाले तहत ही कमिश्नर पुलिस अमृतसर वालों लगातार जी मुहिम जारी है। कल भी आप बड़ी वही कमर्शियल क्वानिटी की रिकवरी की है। एक होर जरा ड्रग के अगेंस्ट ऑपरेशन के बड़ी वही कामयाबी मिली है। इस असी 2 ड्रग स्मगलर फड़े है, 4.5 किलो हीरोइन, 3,32,000 रुपये जड़े 3,32,000 रुपये बरामद किए ड्रग मनी, मोटरसाइकिल ते एक्टिवा। इहदे जिहड़ी मेन गल सामने आई है कि वड्डी खेप जिहड़ी इह बंदे ने आके मुड़ के डिस्ट्रीब्यूट करदे सीगे। जिहड़े 2 मुलज़म है इहदे च मेन जिहड़े फड़े गए आकाशदीप सिंह ते सतिंदर पाल सिंह, दोनों ब्रदर ने। यह जो निशान सिंह के बेटे तरीकों वाली जो हरगोबिंदपुरा नेड़े डेरा राधा स्वामी छियाटा अमृतसर के दोवें, जी बड़ी इंपोर्टेंट गल ये आई है जिस असी एक होर अगे कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने यह सारा जो ऑपरेशन है वो साढ़े दोनों DCP साहबान अभिमन्यु राणा जी, हरप्रीत मंडेर जी, ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ACP ਵੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੜਿਆ ਅਕਿਊਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਟ ਸੁਧਾਰ ਖਾਂ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡਨ ਸੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਨ ਸਮਗਲਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਗੁੱਜੀ, ਇਹ ਰਣਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਰਣਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ।
ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਾ ਛਿਆਟਾ ਦਾ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਦੋ ਹੈਗੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ, ਇੱਕ NDPS ਐਕਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਇਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ NDPS ਦਾ ਮੇਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਰਜਰੀ ਅਤੇ ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਹਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲੋਂ ਮੇਂ 3 ਅਰਬੋਂ ਕੋ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵੋ ਸਹਿਤ ਕਾਬੂ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ SSP ਦੇਹਾਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲੋਂ ਮੇਂ 3 ਅਰਬੀਓਂ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕੀਆ ਹੈ, ਜਿਨਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਚੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਅਟਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਔਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ 5 ਪਿਸਤੌਲ, 32 ਬੋਰ, 5 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 15 ਜਿੰਦਾ ਰੋਂਦ ਔਰ 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਆ, ਜਬਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਥਾਣਾ ਚਾਟੀਬਨਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਕੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਪਿਸਤੌਲ, 32 ਬੋਰ, 3 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਔਰ 2 ਜਿੰਦਾ ਰੋਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪੁੱਛਤਾਛ ਮੇਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਗਲਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਓ ਮੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਅਵੈਧ ਅਸਲਾ ਲਾ ਕਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਥਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰੋਪੀਓ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਆਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਔਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕਰੀ ਸੁਨੀਲ ਫੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਟ੍ਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਯਾਸੋਂ ਕੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਔਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਕਾਸਤੂ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪਰ ਅਵੈਧ ਨਸ਼ੇ ਔਰ ਅਨਯ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥੋਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀ ਗਈ। ਸੁਬਹ 11 ਵਜੇ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ADGP MF ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੁਲਿਸ ਕੇ SSP ਫਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਕ ਕੇ ਸਵਾਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਤਹਿਤ 22 FIR ਦਰਜ ਕੀ ਗਈ ਔਰ 28 ਵਿਅਕਤੀਓਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਵਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮੋਂ ਨੇ ਕਈ ਸਥਾਨੋਂ ਪਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਔਰ 28 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 665 ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ, 7,84,000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ, 200 ਕਿਲੋ ਲਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਔਰ 2 ਚੋਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਸ ਖੋਲ੍ਹੀ, 237 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਏ ਔਰ 43 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਏ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੌਟ ਸਪੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2-2, 4-4 ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਡਾਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਥ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਰੈਪਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ 4 ਏਰੀਏ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
पिछले दिन तकरीबन 800 तो 900 जी गड्डिया मोटरसाइकिल ने जेडे ने साडे वालों इंपाउंड किए गए जिन्हों को कोई पेपर नहीं सी हूँ उन्हों की फरदर आप जी है इनवेस्टिगेशन करा गे ये जरा सिलसिला है जिन्ने दिन तुम देखा कि पिछले दिन जो भी कोई क्राइम हों जो मोटरसाइकिल सवार पाए जाते उन्होंने वालों एक क्राइम किया जाता है इस करके आप आइडेंटिफाई किया हो जड़ा बंदा कोई मोटरसाइकिल से सवार जा रहा है उसका कोई मतलब मीनस नहीं है कि वो अपनी जी है मोटरसाइकिल या जी सवारी है मेनटेन कर सकता हो पड़ताल बहुत सख्ती नाल कर रहे हैं तो ये बाद आप देखना चाहते हैं कि वह किसी क्राइम च तो इनवॉल्व नहीं है क्योंकि ये जड़े बंदे ने जो क्राइम च इनवॉल्व हो जड़े मोटरसाइकिल या बाकी होर चीजा के खर्चे कट सकते हैं इस करके साडा शिकंजा इन्हां दे आस पास कसिया जा रहा है जिहड़ी स्ट्रीट क्राइम जिहड़ा हो रहा है जिहदे विच आम तौर ते जिहड़ी स्नैचिंग दी वारदातां ने या जिहड़ी गोली चलाउण वाली वारदातां हैगियां उदां दी जिहड़ी वारदातां हैगियां इह आपां पूरे पंजाब च इहनू मुका देना हैगा हुण साडे वल्लों बहुत डेडिकेटेड विच इह ऑपरेशन चल रहा हैगा ते सानूं उम्मीद हैगी कि आपां आम लोकां नूं राहत देण च कामयाब होवांगे। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद डॉक्टर नवजोत सिंह सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर सरबत के भले की अरदास की। इससे पहले वे डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जिसके पश्चात वे भगवान वाल्मीकि चौक ग्वाल मंडी से शुरू होने वाली भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर नवजोत सिंह ने कहा कि उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होकर मिली जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने और पंजाब की सेवा करने का सामर्थ्य देने की अरदास की है। उन्होंने माना कि श्री हरिमंदिर साहिब के नज़दीक विरासती मार्ग और श्री दरबार साहिब के चारों तरफ गंदगी और नाजायज़ कब्जों का एक बड़ा मसला है जिसे हल करने के लिए वे तत्पर रहेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील फोसला की रिपोर्ट। सब तो पहला सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो अज असी पहुंचे हाँ श्री अमृतसर साहिब तो गुरु साहबान जी का आशीर्वाद लैन अस आए इतने आप जो सू उन्होंने जिम्मेवारी बख्शी है सेवा बख्शी है सरकार वालों तो असं वह धन्यवाद करना है असं अपने वालों अपने परिवार अपनी टीम सारे वालों तो असी अरदास भी की गुरु महाराज के चरणों की सानू बल बख्शो हिम्मत बख्शो कि असी ईमानदारी ने काम करिए लोग की सेवा करिए पंजाब की सेवा करिए तो खास करके गुरु की नगरी जो हैगी देख संभाल सारी तो जो इन्हों इशूज है उन्होंने आप सिरे चाड़ी जी आप जी हरियाणा चोना जी चलो वो कोई मैं कहूँगा कि ये कोई समा नहीं है योजे सवाल प्रश्न करन का असी तो सिर्फ अज गुरु महाराज दर्शन लिए आशीर्वाद लैन लिए आए थे तो मैं थोड़े सारे पत्रकार व्यूअर का चिट्ठी विचार का मैं धन्यवाद करदा तो तुहानू भी वधाई मुबारकबाद तो अगे फैसटिवल सीजन आ रहा तो असी जो साडी जिम्मेवारी बनती है एज ए लोकल बॉडी मिनिस्टर लोकल बॉडी गवर्नमेंट की असी आप धन देने असी आप सेवा करा जी 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 हालत जी दिनों दिन खराब होंगी जा रही है साफ सफाई जी नहीं सही गल है जी ये कोई मुकरण वाली कोई गल नहीं हैगी असी जो परिक्रमा भी कर रहे थे साढ़े भाई रणधीर जी ने दसिया कि आले दुआले भी गलियारे च भी तो काफ़ी सफाई का दिक्कत हैगी है तो कुछ इदा सके कि इलीगल कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी चल रही है तो मैं उन्होंने असं सीधा रास्ता रखा आप जिन्हें भी मुश्किल गुरु घर के आले दुआले की है अमृतसर की नगरी की हैगी आप एक मीटिंग खास बुला के आप जल्द तो जल्द असं आप सोल्यूशन लगे ठीक है। फरीदकोट के SSP डॉक्टर प्रज्ञा चैन IPS के दिशा निर्देशों पर जिला भर में समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। इसी संदर्भ में फरीदकोट की पुलिस लाइन में SSP फरीदकोट ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि फरीदकोट के CI के स्टाफ के इंस्पेक्टर राजेश कुमार और थाना सिटी प्रभारी जगतार सिंह की संयुक्त कार्रवाई में 3 नशा तस्करों को काबू किया गया है। पूछताछ करने पर पुलिस ने इन तीनों आरोपियों से 2 किलो 753 ग्राम अफीम बरामद की है। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। DGP साहब दे सानू इंस्ट्रक्शंस हैं कि नशे के खिलाफ जड़ा एक सख्त एक्शन
पुलिस वालों लिया जाना चाहिए है। ते उदी लड़ी दे तहत ही साड़ी फरीदकोट पुलिस की टीम ने एक चंगा काम किया और साड़ी ये कोशिश है कि असी जड़ी पॉइंट ऑफ सेल यानी जड़े आम नागरिक दे घर दे नेड़े जड़े बंदे नशा वेचते हैं उन्होंने भी असी राउंड अप करें ते ते ये नशा कितों आता है ते पिछों कितों ये सप्लाई होता है फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेजिस जाके असी उस तक भी असी पहुँचे। तो उदी लड़ी दे तहत ही साड़ी CIA दी टीम ते साड़ी सिटी फरीदकोट दी टीम अंडर द सुपरविजन ऑफ SPD जसनीत जी DSP ते लोचन सिंह और जड़ी साड़े CIA दी टीम हैगी इंस्पैक्टर राजेश उन्हां दी टीम ने एक चंगी जड़ी हैगी कोशिश की ते इहदे विच एक कमर्शियल क्वांटिटी अफीम दी रिकवरी फरीदकोट पुलिस नूं हुई है जिदे विच अ टोटल ऑफ 2,02,753 grams यानी पौने 3 किलो अफीम की रिकवरी हुई है जिहड़ी कि NDPS कमर्शियल क्वांटिटी ही जांदी है। इहदे विच इंटरेस्टिंग गल ये है कि जिहड़े बंदे अरेस्ट हुए हैं इस पौने 3 किलो अफीम की रिकवरी विच ये तीनों बंदे पहले कदे भी नहीं फड़े गए ते तीनों ही जिहड़े हैंगे ना ते ये पहला परचा है बट साढ़े ध्यान च ये लिया गया सी कि ये वह बंदे ने जिन्होंने असी सफेदपोश क्रिमिनल्स कहते हैं। पंजाब सरकार द्वारा किसानों को पराली को आग न लगाने की अपील की जा रही है पर फिर भी कुछ किसान पराली को आग लगा रहे हैं जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है जबकि जिला प्रशासन की ओर से पराली जलाने वाले किसानों को चेतावनी दी जा रही है इसी के चलते सख्ती भी की जा रही है। तो वहीं अमृतसर में एक किसान की ओर से पराली को आग लगा दी गई जिस पर कार्रवाई करने के लिए BDPO अछनवाला और DSP मौके पर पहुंचे और उक्त किसान को भविष्य में पराली को आग ना लगाने की चेतावनी दी और कहा कि अगर भविष्य में उसने पराली को आग लगाई तो कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस दौरान जिस किसान ने पराली को आग लगाई थी उसे जुर्माना भी किया गया अगर किसान जुर्माना अदा नहीं करता तो उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील फोसला की रिपोर्ट। मैं तो ऑफिस स्टेशन बाहर गया सी ते बंदे नौकरा ने पिछों अग लाती है गांह तो असीं इस चीज़ के उत्ते कंट्रोल करांगे अहीं इस तरह की गांह नहीं अग लावांगे जी। महसूस किया भी तुहाडे बंदे गलत कीता हां जी अहीं गलती है महसूस की कि साडे बंदे ने काम गलत किया जी। प्रशासन पहुंचा हाँ जी पूरा जी प्रशासन पहुंचा उन्होंने वधिया गल भी वधिया की प्रशासन ने पर अहीं जिहड़ा साडू उन्होंने ने जो आख्या दायता गांह तो गई होगा इस तरह फायदेमंद ही चीज ही अग ना लगे अग दे नाल प्रदूषण पैदा हुंदा आ जिहड़ा वातावरण खराब हुंदा अहीं वी इह चीज दे उत्ते गांह नूं कंट्रोल करांगे ते होर वी कईआं नूं कहिंदे आ इह चीज दे उत्ते खेत चाहे मैं मेरे नाल DSP साहब सचो साहब सी कंसर्न पटवारी सी जिहड़े अपने नोडल ऑफिसर ने इत्थे वेखण दे पाया कि इन्हां दे खेत विच जिहड़ी उपर जिहड़ा फूस जिहा उहनूं अग लगी होई सी ते किसान नूं बुलाया गया उन्हां दस्सिया गया कि वह उन्हां वल्लों नहीं उन्हां दे अपना कर्मचारियां जां बंदियां वल्लों जिहड़ी अग लगाई गई है जो सैक्शन सी उन्हां मुताबिक उन्हां नूं बणदा उहदा जुर्माना जिहड़ा आ उह इंपोज कर दित्ता गया आ ते बाकी तो अगे उन्हां दी होर भी खेत हैगे उन्हां कमिट कीता साडे नाल कि उह किसे भी खेत विच अग नहीं लाउणगे। तुहाडे माध्यम राही सारे ही किसानां नूं असीं अपील करदे हां कि सरकार वल्लों जिहड़ियां इंस्ट्रक्शनां ने उन्हां नूं प्लीज़ फॉलो किया जाए मानयोग DC साहब दीआं जो हदायतां ने उन्हां नूं इनमिन लागू किया जाए उन्हां नूं लागू कराउण दी जिम्मेवारी भी साडी सारी प्रशासन दी है जी ते सारे ही किसानां नूं असीं बेनती करदे हां कि पराली नूं अग ना लगाओ इहनूं खेतां विच खिलार के खेत विच ही नष्ट करो जी। थोड़ा भी दस दिओ कि किवें दी कारवाई कीती जांदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਫਾਈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
तुहानू पता ही है जी पहला झोने की जिहड़ी फसल तो पहला ही प्रशासन वालों समय समय से सैमीनार करके जां इन्हां नाल मीटिंग करके किसानां दे नाल जां साडे वालों पिंडां दे विच अनाउंसमेंट करवा के जिहड़ा पराली नूं अग ना लाउण वास्ते इन्हां नूं प्रेरित किया गया सीगा। पर सानूं अज इक इतलाह मिली कि इत्थे नाले दे लागे एक किसान ने जिहड़ी आ अपने पराली की रहिंद खूंद नूं अग लाई है, जिहड़ा असीं तुरंत BDPO अजनाला साहब के नाल मौके पर पहुंचे हाँ जी, नाल पटवारी साहब के नाल इन्हों का बाकी स्टाफ है जी। इन्होंने मुताबक सरकार के हुक्म मुताबक जी अपनी कार्रवाई की है जी, उन्होंने जुर्माना किया। अगर ये दोबारा करे जुर्माना तारण तो इनकार करते हैं तो फिर इन्होंने खिलाफ असं FIR करेंगे। हिंदू धर्म में करवा चौथ नारी के जीवन का सबसे अहम दिन होता है, जिसे भारतीय सुहागिन स्त्रियां एक पर्व के रूप में मानती हैं। वह पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर वह चंद्रमा की पूजा अर्चना करती हैं तथा चंद्रदेव से अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती है। इन्हीं भावनाओं को संजोए हुए जालंधर की होटल मैरिटन में रवनीत कौर और नवनीत कौर द्वारा 20 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 11 बजे ग्रैंड करवा चौथ सेलिब्रेशन करवाया जा रहा है, जिसमें 50 से अधिक लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। इस दौरान रवनीत कौर और नवनीत कौर की ओर से दैनिक सवेरा की डायरेक्टर श्रीमती वाणी विच को इस इवेंट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया गया। इस इवेंट के संबंध में जानकारी देते हुए रवनीत कौर और नवनीत कौर ने बताया कि इस आयोजन के दौरान महिलाओं में विभिन्न प्रकार की फन गेम्स, डांस, रैंप वॉक सहित अन्य मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में महिलाओं के लिए हर कैटेगरी के आकर्षक प्राइज रखे गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस इवेंट के अंत में महिलाओं के लिए विधिवत ढंग से व्रत पूजन, करवा बदन के साथ साथ पंडितों द्वारा करवा चौथ की कथा सुनाने का भी प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने सभी महिलाओं से इस इवेंट में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जालंधर। सत श्री अकाल। हर सुहागन अपने घर की राणी होंदी है और राणिया वास्ते सिर्फ और सिर्फ रॉयल एक्सपीरियंस लैके मैं रवनीत कौर ते नाल मेरी पार्टनर नवनीत कौर तुहाडे वास्ते लैके आ रहे हैं ग्रैंड करवा चौथ सैलीब्रेशन। ना हुण ये सैलीब्रेशन ग्रैंड क्यों है? क्योंकि ये ग्रैंड ग्रैंड गिफ्ट्स करके ये थानू एक दो लकी ड्रॉ नहीं 50 तो उपर लकी ड्रॉज ने और द बिगेस्ट प्राइज इज़ होंडा एक्टिवा। येस यू हर्ड मी राइट, होंडा एक्टिवा, डायमंड रिंग, डायमंड एयर रिंग्स, इवन इनवर्टर बैटरीज, डबल बैड की मैट्रिस, बेडशीट, सूट्स, लेडीज़ की जो इच्छा वो असी लैके आ रहे हैं। बिल्कुल, जो लेडीज़ होंगे सूट नू लैके तो बहुत ज़्यादा उन्होंने उत्साह होंगे। इस दे नाल ही मैं तुहानू पुछना चाहवांगी कि कोई थीम वगैरह भी रखी गई है इवेंट लई? करवा चौथ जी देखो साडे रस्मा रिवाजा दे नाल जुड़िया होया है एंड करवा चौथ की थीम साडी इंडियन ट्रडिशनल है और सारियां लेडीज़ उस टाइम अपने ट्रडिशनल सोहने सोहने आउटफिट्स पा के खूबसूरत बन के उस दिन आंदियां ने ते उन्हां दी इंटरटेनमेंट दी जिम्मेदारी साडी है। ते कॉम्पीटिशन केड़े केड़े जिहड़े तुहाडे वल्लों करवाए जाणगे, क्योंकि लेडीज़ ने पूरे दिन के वर्त रखे होंदे आ, थक भी जांदे आ, उन्हां नूं भी ध्यान च रखा गया होएगा? जी बिल्कुल, असीं उन्हां नूं थकन का मौका नहीं देना मैम। आंदे ही एंटरटेनमेंट वास्ते बहुत सारिया गेम्स प्रिपेयर कीतियां गईयां ने, फिर असीं डांस करांगे एंड दैन रैंप वॉक होएगी और रैंप वॉक ते जिन्ना उन्होंने मेहनत की हुई है अपनी लुक्स के उत्ते और सारिया का रिवॉर्ड मिलेगा, बेस्ट अटायर, बेस्ट मेहंदी, बेस्ट हेयर स्टाइल, ईवन बेस्ट नेल आर्ट एंड असी क्वीनस के भी टाइटल रखे हुए हैं। मैम जिवें तुसीं गल कीती है कि ग्रैंड गिफ्ट होणगे, उन्हां दे बारे विस्तार दे नाल भी थोड़ी जानकारी दे दो। देखो जी ईवेंट नूं वड्डा बनाना है ते ग्रैंड बनाना है ते ओह साडे सपोर्टर्स दे सहयोग नाल ही हो सकिया है। इस विच असीं लैके आ रहे हां होंडा एक्टिवा, डायमंड रिंग, डायमंड एयर रिंग्स, बैडशीट्स और ये सारे साडे स्पोंसर्स जिहड़े हैगे है। दिस इवेंट इज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय स्टार्स ऑफ जलंधर फोकल पॉइंट, दैनिक सवेरा, शीतल फाइबर, सुख महल, लवली बेक स्टूडियो एंड लवली स्वीट्स, विद कैप्थिन जिम, फूड कोस्ट, जैन पारस जूलर्स, लॉरियल स्टूडियो 7 फगवाड़ा, केसी बैटरीज, JMP, मनसाराम महाजन, विजय इंजीनियरिंग, ओके टूल्स, राणा प्लाई, कॉम्फी वेल, सतवीर आर्टिस्ट्री, हरभजन कैटरर्स एंड मैनी मोर। सारे इतने दसते ने उत्थे पहुंचो फिर मिलनगे सारे तुहानू। तो बिल्कुल जिवें तुसीं दस ही दिता कि गिफ्ट दे रहे हो है ना, तो इस दे नाल ये भी दस दो कित्थे करवा रहे हो इवेंट ते किन्ना कि समा की समा रखा गया इस वास्ते? ए जी होएगा होटल मैरिटॉन दे विच 20th ऑफ अक्टूबर नूं सवेरे 11 बजे तो
और तुसी फिकर नहीं करनी कि तुसी बाद विच पूजा भी करनी है, ईवेंट तो बाद उत्थे पंडित जी भी मौजूद रहेंगे, असी थालियां भी उत्थे बिठावांगे। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए सतपाल बठला परिवार ने अपने निवास स्थान पर भव्य हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया। इस धार्मिक आयोजन में जालंधर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज ने कार्यक्रम में भाग लिया और नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम समाज में एकजुटता और शांति का संदेश फैलाते हैं और हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, पूर्व पार्षद अश्विनी भंडारी, दर्शन कपूर और भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष अमरजीत सिंह अमरी जैसे नेताओं ने विशेष रूप से कार्यक्रम में भाग लिया व हरि नाम संकीर्तन से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पारिवारिक सदस्यों में सुनीता बटला, कोमल बटला, कृष्णा बटला और प्रेम बटला ने सक्रिय रूप से भाग लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हरिबोल मंदिर वाले हम लोग को पेड व्यक्ति नहीं है कि सब लोग इकट्ठे होके आए हैं को बाद में पैसे जो आएंगे वो उसको बांट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु कृपा से सभी संपन्न लोग हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। अभी जिससे संकीर्तन सुन रहे थे लड़का CA है, और भी बड़े संपन्न सब लोग, उसका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। जो थाली में आता है वो ठाकुर जी की सेवा में लगता है, हम लोग इसमें से कुछ एक पैसा भी नहीं लेते हैं और सब लोग बड़े संपन्न है, प्रभु कृपा है। तो इसलिए सबसे मेरी वही प्रार्थना है, कृपा करके सब लोग भगवान का नाम जरूर उच्चारण करें। हम बात चल रही थी कृष्ण नाम भजले मन मूरख, तेरा बनत बनत बन जाए। कृष्ण नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई, गणिका गीत अजामिल तारे तारे सदन कसाई। गणिका वैश्या थी, तोते को लटाती थी भगवान का नाम, उसी से उसका उद्धार हो गया। अजामिल अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया, उसी से उसका उद्धार हो गया। इसलिए सबसे प्रार्थना है सब लोग नाम उच्चारण करेंगे। अभी हमारे करतार जी भगवान का नाम संकीर्तन कराएंगे थोड़ी देर के लिए। करतार Yeah.
नवदुर्गा रामलीला समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के आठवें दिन की शुरुआत कलाकारों ने लंका दहन के साथ की। इस आठवें दिन की रामलीला की शुरुआत सुशील कुमार तिवारी, डॉक्टर जोगेंद्र कुशवाहा, विक्रम सिंह, यशपाल ठाकुर, अजय शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर की। इस अवसर पर प्रधान डॉक्टर सीताराम, राम सिंह, दीपक सूरी, सुशील शुक्ला, विक्रमजीत वर्मा, रमेश महेंद्र राय, सूर्यनाथ यादव, हरिराम, अशोक मिश्रा, प्रेमचंद सैनी, बबलू शर्मा, दिनेश कुमार, अवधेश, अरुण पाल सहित कमेटी के सदस्यगण भी शामिल रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। रामलीला कमेटी सोडल की ओर से रामलीला ग्राउंड सोडल में विधिवत श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर रामलीला के आठवें दिन की शुरुआत की गई। रामलीला में बाली वध का मंचन किया गया। आठवें दिन की रामलीला की शुरुआत पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, उद्योगपति राजन गुप्ता, उद्योगपति ओम प्रकाश सप्पल, भरत सप्पल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर की। तो वहीं नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी की ओर से आए हुए मुख्य अतिथि को प्रभु श्री राम जी का सिरोपा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी के प्रधान सुखविंदर कालिया बिट्टू, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, विकी शर्मा, बिनी छाबड़ा, गौरव कनौजिया, अश्विनी सिंगला, सनी महाजन, रिंकू भगत, सूरज मेहरा, केवल गोस्वामी, योगराज गोस्वामी सहित सभी सदस्य एवं कलाकार उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। Yeah.
आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं हमारे नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी, हाँ जी नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडल रोड भाजी होना का, सारे का मैं बड़ा धन्यवाद करता, शुक्रगुजार करता। और उस तो बाद मेरी भैन, मेरी वड्डी भैन इतने तशरीफ लैके आए ने, और जिते मेरी भैन खड़ोती हो मैं रीबन कटता चंगा ही नहीं लगता है ना। वैसे भी क्या गया ऋषिया मुनिया ने, बड़े बड़े लोगों ने, कि इस दुनिया में औरत तो वड्डा रुतबा किसी का नहीं। सो जिते भैन है वड्डी उत्थे आपां सारे इदां ही हैं। और बहुत सारिया मुबारक मेरे वालों भी, दीदी वालों भी, तो बहुत सारिया मुबारक साढ़े संदीप शर्मा जी नूं भी। एक बार संदीप शर्मा वास्ते ताड़ी मारो या तो ताड़िया हथा मेरे ताड़िया पता लगे छोटे अच्छ कोई आए जी। जिन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को प्यार करते हैं जरा हाथ उपर खड़े करके दसो, और हम जयकारा लाओ बोल शुक्रिया जी। मैं संदीप का कहना कभी नहीं मोड़ सकता। लव जो मंडल राम लीला कमेटी की सोडल रोड तो जिथे साढ़े प्रधान साहब के पूरी कमेटी के मैंबर मैं बहुत बहुत बधाई दिनी हाँ। उत्थे मेरा छोटा भीर समीम जिन्होंने अज इतने तशरीफ लिया के तुहानू सारू हसन तो नचण ला दिता। बहुत बहुत मुबारक मेरे वीर नू, संदीप नू, दीपक शारदा नू, जिन्ने भी इत्थे मेरे वीर भैन बैठे ने, तुहानू सारिआं नू इस रामलीला मैदान दे विच बहुत बहुत मुबारक। भगवान राम जी महाराज जी अगे अरदास करदे आ कि जिहड़ा तुसी ये हर साल सारे इकट्ठे हो के इस सहयोग दे नाल जिहड़ी इत्थे तुसी रामलीला करवाउंदे हो, इदां ही परमात्मा तुहाडे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखे ते तुसी ये हर साल करवाउंदे रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। नवरात्रों के पावन अवसर पर श्री गीतवा मंदिर अर्बन स्टेट फेज वन में चल रही 8 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम भजन संध्या के 7वें दिन की शुरुआत हुई। इस भजन संध्या के 7वें दिन की शुरुआत गायक दीपक सरगम एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद गायक दीपक सरगम एंड पार्टी ने माँ भगवती के मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर संदीप नरूला, राजेश शर्मा, दीपक शर्मा, संजीव लूबा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया
कि चल रही भजन संध्याओं की श्रृंखला में प्रतिदिन प्रसिद्ध भजन गायक माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। उन्होंने बताया कि इस भजन संध्या में आने वाले भक्तों के लिए रोजाना प्रसाद के रूप में व्रत वाला लंगर भी वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमन पुरी, अश्विनी चौहान, नरगिस बत्रा, सोनू कुलवंत रायपुरी और सुखदेव कुमार ने गायक दीपक सरगम एंड पार्टी को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। संदीप शर्मा जी जिन्हें दौलत हाजरी दरबार लगी है, तो मिलके गणपति आराधना के नाम आज जो हम की शुरुआत करिए। बोले गणपति गणेश महाराज की तालाब मंदिर के पावन दरबार में चल रही शारदीय नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम भजन संध्या के सातवें दिन की शुरुआत भजन गायक गोपाल पांडे एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर की। तो वहीं उन्होंने माँ की मधुर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित माँ भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद,
सुनील अरोड़ा, यश चड्ढा ने गायक गोपाल पांडे एंड पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया, जिसके उपरांत कंचक पूजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
सहगल साहब ने एक फरमाइश दी है, उपकार रामलीला क्लब धंडार मंदिर बस्ती पूजा जालंधर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस चल रही रामलीला के पांचवें दिन की नाइट की शुरुआत अशोक वाटिका में माता सीता और हनुमान जी के संवाद के मंचन के साथ हुई। इस अवसर पर चीफ डायरेक्टर हरिकृष्ण बाली, वाइस चेयरमैन नीता बहल, चीफ एग्जीक्यूटिव सुशील कुमार, राजीव बाली एडवोकेट, संजीव बाली, राजन अरोड़ा, अजय बाली, रिकी नागर, प्रदीप कुमार, राघव बहल, गौरव बहल सहित अन्य सदस्यगण भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। माताजी, अब आप इन बातों को छोड़िए और मेरी ओर ध्यान दीजिए। तो बेटा, बेटा क्षमा करना। और इतनी समझदार और धर्मात्मा होकर ऐसी बुरी मौत मर रही है। माना कि इस समय आपकी जान को महासंताप है, किंतु आत्मघात करना भी तो महापाप है। की खोज करते हुए हमारे राजा वानरराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और तब से यह सेवक उनकी शरणागत में है। दूर दूर ओ कपटी आत्मा दूर, मैंने तुमको जान लिया है। अरे दुष्ट, वो वही समय था जब मैं गलती खा गई थी और तेरे धोखे में आ गई थी। तुझे किस मिट्टी का बनाया और शर्म हया से कोसों दूर भगाया। उफ, मुट्ठी भर हड्डियां और इतनी जबान दराजी, मैं हैरान हूं कि आज मेरा खंजर बेकार क्यों है। खामोश अशोक वाटिका रावण कान्हा माँ भीर का वहां करके अशोक व माता सीता से कहना कि मुझे प्रभु राम ने भेजा है, हमारी नायिका आज की बहुत अच्छी है। देखिए, कल हमें रामलीला बंद करनी पड़ी। बंद नहीं, उसकी मर्यादा को
हमने चालू रखा यहाँ आरती कर ली। क्यों? कि यहाँ हमारा बच्चा जो प्रभु राम की बहुत ही सेवा करता था, ज्यादा सेवा करता था, सारा काम उसके जिम्मे था। कल उसका एक्सीडेंट हो गया, अभी भी वो आईसीयू में है। लेकिन एक बात है, आईसीयू जहाँ डॉक्टर कहता है कि अभी थोड़ी देर और इंतजार करो, लेकिन वो बच्चा क्या कहता है, दादू अभी आपने रामलीला शुरू की है कि नहीं, ऐसी भावना होनी चाहिए। हमने कहा बेटा मैं जाके आज रामलीला शुरू करूँगा। सो मैं आपको भी यही कहूँगा कि आपके मन में भी ऐसी ही भावना होनी चाहिए प्रभु के प्रति। मेरी वही रखवाला है, वही करने वाला है, उसी के आगे सब कुछ उसी के हाथ में है। आदमी वहाँ पर आकर के हार जाता है। इसलिए मैं अपनी माताओं बहनों और भाइयों से यही प्रार्थना करूँगा, आज और कल दो दिन हैं रामलीला, फिर साल बाद होगी। आज के बाद कल रावण वध है। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नजदीक गाखला पुल जालंधर की तरफ से चल रहे शारदीय नवरात्रों के अवसर पर साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। इस मौके पर संजीव बजाज, मरवेश कपूर, नीरज कपूर, राजेश शर्मा, रोहित बहल, संजीव चड्डा, डॉक्टर जसवीर अरोड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा, मुनीश हांडा, विजय हांडा सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बगलामुखी दा कोल साचे नरवार की जय। हे माई सचियां जोतां वाली माता जी साडी सदाई जय। सभी भगत जन जो इस मंदिर में आते हैं, महारानी सब उसकी मनोकामना पूरी करे और उसको खुशियां दे। कोट सदीक महारानी मंदिर में जो भी आता है भगत, महारानी सब उसको खुशियां दे और उसके सब भंडार जो है भर के दे। महारानी जयकारा महा बगलामुखी दा बहुत साचे मंदिर दे अंदर नव दुर्गा सप्तमी के दिन वड्डा हवन और वीरवार के उपलक्ष्य में वड्डा हवन रखा गया, जिन्हों का सारा उच्चारण पंडित अविनाश गौतम जी और पिंटू भैया ने किया है। महारानी साहब की मनोकामना इतने पूरी करती रहे और झोलियां भरती रहे। जयकारा मां बगलामुखी माई दा। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लंबा पिंड चौक जालंधर में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य यजमान अमित शर्मा से सपरिवार विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई गई। तो वहीं माँ बंगलामुखी धाम के मुख्य सेवादार नवजीत भारद्वाज ने दिव्य हवन यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को शुद्ध आहार की परिभाषा का व्याख्यान करते हुए कहा कि यदि हमारा आहार शुद्ध है तो आपका मन भी शुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मांस को छूने से भी पाप लगता है, सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है, अपने स्वाद के लिए किसी की जान ले ली तो ये कहाँ तक सही है। प्राणी मात्र पर दया करना ही मनुष्य का सच्चा संकल्प होना चाहिए। वहीं माँ बंगलामुखी जी के हवन यज्ञ उपरांत नवदुर्गा माता जी के आठवें स्वरूप माँ महाकौरी जी के निमित्त हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई गई। उन्होंने बताया कि माँ बंगलामुखी धाम में शुक्रवार को सुबह नवदुर्गा जी के हवन यज्ञ उपरांत कन्या पूजन किया जाएगा और मंदिर परिसर में विजयदशमी पर विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर निर्मल शर्मा, सरोज बाला, मुनीष शर्मा, अमरजीत सिंह, रिंकू सैनी, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, नवीन कुमार सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन तजिंदर सिंह बिट्टू के पिता हरकृष्ण सिंह का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय हरकृष्ण सिंह को मुखाग्नि उनके बेटे तजिंदर सिंह बिट्टू ने दी। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, अजीत समाचार समूह के मुख्य संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द, सांसद मोहिंदर भगत, सांसद अशोक मित्तल, एलपीयू से रमेश मित्तल, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व सांसद सुशील रिंकू,
पूर्व सांसद महेंद्र सिंह केपी, रमाडा के मालिक राजन चोपड़ा, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, अश्विनी खोसला, सुरजीत राय बिट्टा, सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश्वर, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर, नरेश सहगल, दिनेश सहगल, एडवोकेट मनमोहन शर्मा, अमरजीत अमरी, ओंकार टिक्का, सुखदेव सिंह, एजीआई राकेश सब्रवाल, अजय चोपड़ा, उत्तम हिंदू के संपादक इरविन खन्ना, प्रिंस अशोक ग्रोवर, डॉक्टर एसपीएस विर्क, प्रदीप खुल्लर, दीपक बाली, सुरेंद्र गुरशरण कौल, सुनील चड्डा, हनी सोहता, ईश कुमार, राजू चावला, सुनील अरोड़ा और पारिवारिक सदस्यों में बेटा तेजेंद्र सिंह बिट्टू, मनमिंदर सिंह, जसवीर कौर, हरविंदर कौर, सतेंद्र कौर, मनिंदर सिंह, पुनीत कौर, अंगद सिंह, आनंद कुंवर, युवराज सिंह, हरप्रीत सिंह, अजयपाल सिंह सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय हरकृष्ण सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग एवं रस्म पकड़ी श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय कृष्णा देवी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पवन गुप्ता, भूषण कोहली व पारिवारिक सदस्यों में बेटा विजय शर्मा, प्रवीण शर्मा, शेखर शर्मा,
रंजना शर्मा, गौरव शर्मा, नेहा शर्मा, सुमित पुंज, शिखा पुंज, नरेश शर्मा, अमित शर्मा, आरती शर्मा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय कृष्णा देवी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। हरि ओम जिंदल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा भी राजे हैं, उनके आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडित कन्हैया ने गुरु पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय हरि ओम जिंदल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंस ग्रोवर व पारिवारिक सदस्यों में पत्नी कुसुम जिंदल, बेटा संजीव, रेखा जिंदल, पिंकी, राकेश गोयल, सोना जिंदल, अनु, राकेश गुप्ता, पूनम, मुकेश गुप्ता, अजय गोयल, सुजल जिंदल, कशिश जिंदल सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय हरिओम जिंदल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंडित जी शोक सभा बुजुर्ग होता है। जिंदगी क्या है, इन इनासर का जरूरे करती है। मौत क्या है, इन अजा का परिचय। अग्नि, मिट्टी, जल, वायु, आकाश, पांच तत्व तरतीब चाहते इंसान जन्म लगता है कि तरतीब बिगड़ती इस मौत। जन्म और मौत इंसान के हाथ चाहिए, ईश्वर के हाथ चाहिए। इंसान के हाथ से इस धरती के आगे कहो जो कर्म कर जाता है, कहो जी खुशबू फैला जाए। साढ़े दरम्यान श्री हरिओम जिंदल जी मिले, लेकिन उन्होंने किए हुए कामों की खुशबू अज भी विद्यमान। धर्मपरायण सके, हलीमा बोलना, मिठा बोलना, प्यार नाल बोलना, उन्होंने मैं कह कि भी संस्कृति में शामिल सेगा, उन्होंने नेचर से। और मिठे का व्यापार किया, टॉफियां बोलिया तो शुरुआत की, सो भी मिठा बढ़िया। और उन्होंने अपने जीवन च प्यार ही पाया, प्यार ही बढ़िया। अज की हाजिरी इसे गलत है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर केंद्रीय जेल में नशा बेचने के बड़े रैकेट का किया पर्दाफाश। 4 किलो 500 ग्राम हेरोइन, 4,32,000 रुपयों की ड्रग मनी सहित 3 व्यक्तियों को किया काबू। अमृतसर देहात पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को किया काबू। 32 बोर की 8 पिस्तौल, 8 मैगजीन, 17 जिंदा रौंद और 1 मोटरसाइकिल किया बरामद।
जालंधर ग्रामीण पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए चलाया ऑपरेशन कासो। 28 ग्राम हेरोइन, 665 नशीली गोलियां, 7,84,000 मिलीलीटर अवैध शराब, 200 किलो लाहन, 6 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल किए जब्त। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।